Hi guys, this is Mansoor Ali and you are watching my channel Learn English with Hindi by Mansoor Ali. Guys, आज देखते हैं खाना या नाश्ते से related कुछ sentences. तो शुरुआत करते हैं. आप कैसे हैं? इसको बोलेंगे How are you? आप कैसे हैं? How are you? मैं ठीक हूँ. धन्यवाद. I am fine. Thank you. I am fine. Thank you. अब गाइस हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आपको भूख लग रही है? आर यू फीलिंग हंग्री? आर यू फीलिंग हंग्री? आप क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? आपके पास क्या क्या है, मतलब खाने में क्या क्या बना हुआ है? विच फूड्स डू यू हैव? विच फूड्स डू यू हैव? आज राजमा और चावल बना है. टुडे राजमा एंड राइस हैज़ कुक्ड. तो इसको हमने एक ही डिश माना है, इसलिए हमने राजमा एंड राइस के बाद हैज़ का यूज़ किया. आपके पास अचार भी है क्या? तो इसको बोलेंगे डू यू हैव पिकल आल्सो? डू यू हैव पिकल आल्सो? क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं. तो इसका जवाब अगर हम बोलें अभी तक तो क्या नहीं दोस्त, नॉट येट फ्रेंड, नॉट येट फ्रेंड. तो पहले नाश्ता तैयार कर लो, देन प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट फर्स्ट, देन प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट फर्स्ट. आओ हम सभी एक साथ नाश्ता करेंगे, लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट टुगेदर. लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट टुगेदर. इसका स्वाद लेकर देखो, मतलब चक्कर देखो. जस्ट टेस्ट इट, जस्ट टेस्ट इट. आज मुझे पार्टी में जाना है. टुडे आई हैव टू अटेंड अ पार्टी. टुडे आई हैव टू अटेंड अ पार्टी. आपके यहाँ क्या क्या मिलता है, मतलब खाने में क्या क्या मिलता है? तो इसको बोलेंगे व्हाट डिशेस डू यू सर्व? व्हाट डिशेस डू यू सर्व? क्या आपके पास मीठे में कुछ है? डू यू हैव एनी स्वीट डिश? डू यू हैव एनी स्वीट डिश? क्या माँ ने खाना बना लिया है? अगर घर पर हैं तो ये सेंटेंस बोला जाता है हैज़ द मदर कुक्ड द फूड? हैज़ द मदर कुक्ड द फूड? क्या भाई ने खाना खा लिया है? Has brother taken the food? या फिर has brother eaten the food? जल्दी आओ खाना तैयार है. तो इसको बोलेंगे hurry up, food is ready. या फिर hurry up, meal is ready. थोड़ा सा और लीजिए. Have a little more please. Have a little more please. आपने तो बहुत थोड़ा सा खाया है, आपने तो कुछ खाया ही नहीं. तो इसको बोलेंगे यू एट वेरी लिटिल. यू एट वेरी लिटिल. क्या आप सिगरेट भी पीते हैं? तो इसको बोलेंगे गाइस डू यू स्मोक आल्सो? डू यू स्मोक आल्सो? अच्छा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? वेल वुड यू हैव टी और कॉफ़ी? वेल वुड यू हैव टी और कॉफ़ी? मुझे एक कप चाय दे दीजिए. गेट मी अ कप ऑफ टी. या फिर ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. प्लीज़ भी जोड़ सकते हैं अगर आप बहुत प्यार से कहना चाहें तो. थोड़ी सी चाय डाल दीजिए. पोर सम टी प्लीज़. पोर सम टी प्लीज़. ज़रा नमक दे देना प्लीज़. तो इसको बोलेंगे पास मी द साल्ट प्लीज़. पास मी द साल्ट प्लीज़. थोड़ा सा ताज़ा मक्खन और दे दो. गेट मी सम फ्रेश बटर प्लीज़. गेट मी सम फ्रेश बटर प्लीज़. मक्खन को बटर बोलते हैं. आप खुद ही खाइए, मतलब खुद ही लीजिए. हेल्प योर सेल्फ प्लीज़. हेल्प योर सेल्फ प्लीज़. चम्मच बहुत गंदी है. स्पून इज़ वेरी डर्टी. या फिर स्पून इज़ नॉट क्लीन. क्या आप शाकाहारी हैं, मतलब शाक सब्ज़ी वाले हैं, शाक सब्ज़ी खाने वाले? तो इसको बोलेंगे आर यू अ वेजिटेरियन?
हाँ, अगर जवाब देना चाहें हाँ में, मैं शाकाहारी हूँ, तो बोलेंगे यस आई एम वेजिटेरियन, यस आई एम वेजिटेरियन। क्या आप दूध लेंगे? वुड यू लाइक टू टेक मिल्क, या फिर वुड यू लाइक सम मिल्क, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या आप चावल खाते हैं? डू यू ईट राइस, डू यू ईट राइस। अगर नहीं में जवाब देना है कि नहीं मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो बोलेंगे नो आई डोंट ईट राइस, या फिर इतना भी बोल सकते हैं नो आई डोंट। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? विच इज़ योर फेवरेट डिश, विच इज़ योर फेवरेट डिश, मतलब आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। तो इसका जवाब अगर हम देना चाहें तो आलू गोभी मुझे खूब पसंद है, आलू गोभी इज़ माई फेवरेट डिश। आप कुछ और भी बता सकते हैं। आपने मेरी चाय गिरा दी, यू हैव स्पिल्ट माई टी, यू हैव स्पिल्ट माई टी। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तुम्हारा अब जल्दी यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। जैसी आपकी मर्ज़ी, तो इसको बोलेंगे एज़ यू विश, या फिर एज़ यू प्लीज़, या फिर एज़ यू लाइक। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, डू एज़ यू प्लीज़, डू एज़ यू प्लीज़। चलो निकलो यहाँ से, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि भाई यहाँ से जाओ, तो इसको बोलते हैं गेट लॉस्ट, और ये गुस्से में या नाराज़ी में बोला जाता है गेट लॉस्ट। ठीक है, दैट्स इट, या फिर दैट्स ओके। नेक्स्ट गाइज, आपका दिन अच्छा गुजरे या अच्छा बीते, हैव अ गुड डे, या फिर हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। ठीक है, फिर मिलेंगे, ओके सी यू अराउंड, या फिर कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, ऐसे भी बोल सकते हैं। देर हो रही है, अब हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए, इट इज़ गेटिंग लेट, वी मस्ट से गुड बाय टू ईच अदर नाउ। तो गाइस, अगर आपको सेंटेंसेस पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स अ लॉट, और सीखते रहिए।